साथियों, टेकी सर जी चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप एमसीडी इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं और आपकी ड्यूटी एमसीडी इलेक्शन 2022 की आई है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक एक बात जो कंक्लूजन में निकल के आएगी, क्या चेंजेज है एमसीडी के इलेक्शन में, आप वो ये देखेंगे और हर तरह के क्वेश्चन का यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नई अपडेशन मिल जाए, और इसका प्रिंट आप रख लें ताकि आप हर बात से रूबरू हो सकें और कब क्या और किस टाइम कौन सी चीज़ें करनी है आप सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन हो जाए। इस वीडियो को सेव करके रखें और कभी भी दिक्कत आए तो इसको खोल के देख लें और आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। मेन सारी प्रॉब्लम्स AST वोटर प्रॉक्सी और चैलेंज वोट, टेंडर वोट और न जाने कितनी चीज़ें जो कि अपडेटेड है, वो सारी इसमें दी जाएंगी। क्या जमा कराना, कैसे जमा कराना आदि आदि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो साथियों, आपको लगभग 5 बजे आप स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। अपने अरेंजमेंट आपने देखना कि पोलिंग बूथ का क्या अरेंजमेंट है आपका, बूथ नंबर, नोटिस, एरिया, लिस्ट, कंटेस्टिंग कैंडिडेट सारी आपने लगा देनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने चेक कर लेना है। वोटर स्लिप आपने आसपास ये ध्यान रखना कि वोटर स्लिप पे कोई मार्क ना लग के आए, वो प्लेन रहे। जो भी बाहर से कैंडिडेट्स देते हैं तो उस पर कोई निशान ना लगा के आए, कोई पोस्टर बैनर ना हो। तो ये सारी एक बार आपने जो बूथ को आपने चेक करना है। अब अगला है अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ जो एजेंट है वो एक अपॉइंटमेंट लेटर लाएंगे, फॉर्म 8B। मॉक पोल से पहले ही आपने इसको असेंबल कर लेना है और इलेक्शन एजेंट के कैंडिडेट के साइन आपके मिलेंगे, वो साइन आपने वेरीफाई करने हैं। उसी बूथ का आपका जो एजेंट होना चाहिए, साथ ही एपिक कार्ड की कॉपी आपने रखनी है, उसका जो आपने एक पास बनाना है, और इन अपॉइंटमेंट्स लेटर को आपने रख लेना है और नॉन स्टेचुरी एनवलप में इसको रखना है। तो फॉर्म 8B है, अच्छी तरीके से इसे देखें। अब आ जाता है मॉक पोल। मॉक पोल से पहले एक सर्टिफिकेट जो है मॉक पोल आपने करना है, 50 आपने मॉक पोल के लिए करनी है, 60 मिनट पहले, 15 मिनट इंतज़ार करना है। आपके पोलिंग एजेंट नहीं आए तो 7:15 बजे आपने शुरू कर देना है। आप अपने सीनियर ऑफिसर को भी बुला सकते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर को विटनेस के लिए बुला सकते हैं। इसके बाद में जो है मॉक पोल सर्टिफिकेट आपने इशू करना है। मॉक पोल सर्टिफिकेट पता कर ले पहले कि कितने कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट्स को भर लें आप उसमें, और जो एजेंट है उनकी सिग्नेचर उसमें करा ले, तो मॉक पोल सर्टिफिकेट आपने ले लेना है। अब यहाँ पर एक्चुअल पोल से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपने क्लियर कर दिया है डाटा मॉक पोल का, मॉक पोल सर्टिफिकेट बना देना है, पोलिंग एजेंट से साइन, EVM मशीन वगैरह की सारी डिटेल, सिग्नेचर, डिक्लेरेशन ये और कमेंसमेंट ऑफ पोल ये आपने करनी है, सिक्रेसी, ये 2-3 जो डिक्लेरेशन है वो आपने यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे सीलिंग मशीन आपने मशीन कर लेनी है, ग्रीन पेपर या येलो पेपर सील आदि जो भी आती हैं उनके ही नाम है ये, उनका रोल जो नंबर नोट कर लेना है, और यहाँ पर एजेंट से भी साइन करा लेने हैं, स्पेशल टैग को भी साइन करा लेना है, और इनको सीलिंग आपने कर देनी है। एड्रेस टैग, स्ट्रिप सील, जो भी ABCD सील है इनको अच्छी तरीके से आपने करना है, और बाद में सील करने के बाद में भी आप एक बार जो टोटल का बटन आप ज़रूर दबा लें ताकि आपको पता चल पाए कि कितनी वोट इसमें है, और उसके बाद उसको ऑफ करके रख दें। यहाँ स्टेचुरी जो रहता है वो आपने 11A और मार्क्ड कॉपी इलेक्ट्रोल इसको चेक कर लेना है, इसमें कोई एंट्री है या नहीं जो RO के द्वारा ही की गई है, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे प्लीज़ साइन डिक्लेरेशन ऑफ स्टार्ट ऑफ द पोल, आपने पोल पे स्टार्ट कर लेना है कि अब ये स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये भी कराना है। पोलिंग ऑफिसर 1 के पास मार्क कॉपी रहेगी, एस्टेब्लिश करना है आइडेंटिटी उसको, एंट्री वोटर को बुलाना है, ऑथेंटिकेट करना है, क्रॉस एंट्री डायगोनल करनी है, और फीमेल में क्रॉस एंट्री के साथ साथ उसको सर्कल कर देना है। तो ये उनका काम है। पोलिंग ऑफिसर 2 का रजिस्टर ऑफ वोटर 11A उसको रखना है, जो इलेक्टर ऑफ वोटर की सारी एंट्री करनी है, सीरियल नंबर लिखना है, और 2 कॉलम में सीरियल नंबर जो भी वो आइडेंटिफिकेशन के लिए लाया है उसके 4 डिजिट उसमें लिख लेने हैं, कॉलम 3 में सिग्नेचर करा लेने हैं, अगर कोई स्पेशल रिमार्क है तो रिमार्क को लिख देना है, इशू वोटर स्लिप करना है, ठीक है।
अब वो पोलिंग ऑफिसर थ्री जो है वो क्या करेगा, चेक करेगा लेफ्ट फोर फिंगर में जो है इंक लगा देगा और बटन को दबा देगा। ये सारे काम उनके ऑफिसर से हैं। वोटर स्लिप को भी इकट्ठी रखना है और वोटिंग मशीन की तरफ भेज देना है अगर कोई प्रॉब्लम है तो। टेंडर वोट आप देख लीजिए, टेंडर वोट क्या होती है, तो टेंडर वोट जो है वो रजिस्टर 11B में उसकी एंट्री करनी है। अगर कोई पहले से ही डाल के जा चुका है तब टेंडर वोट डाली जाती है, तो टेंडर वोट हमेशा बैलेट पेपर पे आएगी, वोटिंग मशीन में उसके नहीं होगा। रजिस्टर 11B जो एक फॉर्मेट होता है उसी पे उसके साइन और वो लेने हैं। 11A पे बिल्कुल भी साइन नहीं करने हैं, फिर फिंगर पे मार्क भी करना है, ठीक है, एरो मार्क स्टैम्प से उसको साइन कराना है। अब ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर उसको फोल्ड करके रख लेगा और अपने जो भी जो स्टैचूरी में ये आएगा स्टैचूरी में इसको रखना है। फॉर्म ASD एबसेंटी शिफ्टेड और डेड वोटर हैं जो, उसके ध्यान रखिए कि उनकी वोटिंग आपको करानी है, उसको मना नहीं करना है, लेकिन उनके जो सर्टिफिकेट है उस पे उनके जो अंगूठा भी लगवा लेना है 11A पे, ये ध्यान रखना। थंब इम्प्रेशन उनके साइन के साथ साथ थंब इम्प्रेशन भी 11A में है, तो ये बिल्कुल विशेष बात है। और इसका रिकॉर्ड रखना है ASD लिस्ट का, क्योंकि मेंटेन रिकॉर्ड इसका पूरा का पूरा रखना है। प्रॉक्सी वोटर क्या होता है, जो जो कि आपके आर्मी पर्सनल्स हैं वो अपनी वोट को किसी और के नाम से दे देते हैं, तो उनकी मिसेज है या कोई और उनका परिवार में है किसी के नाम वो दे देते हैं, तो इसको क्लासिफाइड सर्विस वोटर भी कहते हैं इसके लिए। तो उनकी मिडल फिंगर में लगेगी, क्योंकि वो खुद के वोटर होते हैं, तो उनकी फर्स्ट फिंगर में लग जाएगी और मिडल में, जो कि प्रॉक्सी वोटर के लिए आते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसका अफिक्स करना है, सीरियल नंबर वगैरह निकालना है और उसको स्पेशल नोट कर देना है। ये ध्यान से आप इसको देखें। पोस्टल बैलेट, अगर आपका कोई भी इलेक्शन ड्यूटी लिए हुए है और अपने ही वार्ड में उसकी ड्यूटी लगी है, तो उसको भी EVM पे नहीं भेजना है, पेपर बैलेट के द्वारा उसको कराना है, ध्यान रखना है। EDC हु हैज़ बीन डिप्लॉयड फॉर इलेक्शन ड्यूटी टू हिज होम वार्ड रजिस्टर्ड ऑफ वोटर, तो EVM पे उसको साइन, EDC वोट इज कास्ट ऑन EVM, और एंटर द डिटेल ऑफ EDC ऑफ आफ्टर द लास्ट एंट्री ऑफ द लास्ट एंट्री ऑफ द मार्क कॉपी, तो ये डिटेल करना है। चैलेंज वोट, अगर कोई चैलेंज करता है कि ये वही आदमी नहीं है, तो वहाँ पे अब 5 रुपये की ये डिपॉजिटिंग राशि होगी, पहले 2 रुपये की थी, तो ये इसको लेना है फॉर्म, और फॉर्म 10 में भी उसकी एंट्री करानी है। वार्म भी करना है अगर वो आता है, अगर वो आइडेंटिटी नहीं प्रूव कर पाता है तो उसको पुलिस के द्वारा उसको भेजना है, और उसकी जो चैलेंज के लिए पोलिंग एजेंट के लिए 10 जो 5 रुपये है वो दे देने हैं। अगर वोटर जेन्युइन है तो यहाँ पर 5 विल नॉट बी रिटर्न पोलिंग एजेंट बट विल बी डिपॉजिट एट रिसेप्शन सेंटर ऑफ द पोलिंग मटेरियल, अगर वो उसकी पोलिंग एजेंट की बात झूठी निकलती है तो 5 रुपये वापिस जमा कर लेने हैं, अपने पास ही रखने हैं और काउंटर पे जमा कराने होते हैं। रिफ्यूज टू कास्ट वोट, अगर 11A में रिफ्यूज टू कास्ट वोट करता है तो 11A में उसको एंट्री कर देनी है, उसके सिग्नेचर भी करा लेने हैं और लिख रिमार्क में भी लिखना है इलेक्टर रिफ्यूज टू साइन अगर ऐसा करता है तो, या रिफ्यूज टू वोट, ये सारी डिटेल उसमें लिखनी है। अगर बैलेट शू इज प्रेस कर रखा है देन नेक्स्ट वोटर टू बी डायरेक्टेड स्ट्रेट अवे टू द कास्ट वोट, ये भी आप कर सकते हैं कि नेक्स्ट वोटर को भेज दीजिए, तो इसमें आपके मिस हो जाएगा 11A के बाद में। ये आपने अपने विभिन्न फॉर्म में प्रेजाइडिंग डायरी में भी एंटर करना है। वोट इनवैलिडेट ड्यू टू बीच ऑफ सेक्रेसी, अगर वो करता है तो भी यहाँ पर उसको मना कर देता है, उसमें कॉलम में लिखता है, वो रिमार्क में लिखेगा 11A में ही कि इसने बीच ऑफ सिक्रेसी की है, और इसकी डिटेल 11C में भी लिखना है। और रिफ्यूज टू वोट है, इनवैलिडेट है, ये भी आपका EVM में नहीं जाएगा। वोटिंग PWD विद हेल्प ऑफ ए कंपेनियन के लिए साथ आ जाता है, तो कंपेनियन के साइन होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, उसने कहीं पे और ऐसा नहीं करना चाहिए,
और उसकी मेंटेन सिक्रेसी वो वोट करना है, 10A उससे साइन करा लेने हैं जिसकी, ये आपको करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोकन्स जब लास्ट की 10 में आपके हो जाते हैं क्लोज पोल होने से पहले, आपने जो भी लास्ट के हैं तो आपको स्लिप्स मिलेंगी, वो स्लिप सीरियल नंबर 1 की लास्ट से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। और उसकी डिटेल भी आपको आपकी प्रेजाइडिंग डायरी में आएगी। क्लोज ऑफ पोल आपने करना है सी यू एंड रजिस्टर 11 को बार बार में मैच भी करते रहना सी यू और 11 से कि टैली कर रहे या नहीं कर रहे, तो वो बराबर होने चाहिए। क्लोज पोल कर देना है आपने, स्विचिंग ऑफ करना है। क्लोज कोर से पहले एक बार टोटल जरूर आप कर लें। डिसकनेक्टिंग केबल करना है पोलिंग एजेंट को बुला करके, वो 11C की कॉपी आपने उनको देनी है, ओरिजिनल 11C। आइए आपने अपने पास भी रखने इसकी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपके उसी जो एजेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने करनी है। अब एनवलप आप देखिए कि एनवलप ये आपके कुछ एनवलप हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं हैंडेड टू द SO सेक्टर ऑफिसर। ये ओपन एनवलप है, ये ना तो सील्ड होंगे ना ही पोस्टेड होंगे। तो 11C होगा डिक्लेरेशन प्रेजाइडिंग ऑफिसर स्टार्ट एंड एंड पोल डायरी विजिट शीट, डायरी विजिट शीट्स भी होती है जिसमें आपके सेक्टर ऑफिसर या माइक्रो ऑब्जर्वर आते हैं उनकी विजिट शीट होती है। 11-16 पॉइंट रिपोर्ट, मॉक पोल सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी ओपन रहेंगी। फिर स्टैचुरी में आपका इलेक्ट्रल रोल PO1 के पास, PO2 के पास रजिस्टर वोटर, फिर PO3 के पास वोटर स्लिप, फिर ये यूज टेंडर बैलेट पेपर और अनयूज टेंडर बैलेट पेपर ये भी आपके आएंगे। ये स्टैचुरी हैं और इनको आपने वैक्स के साथ सील लगाना है। पैकेट 2 में नॉन स्टैचुरी आ गया आपका, नॉन स्टैचुरी में इलेक्ट्रल रोल जो कि दूसरे थे अपॉइंटमेंट लेटर 8B, ये इनके रोल नंबर आपके नॉन स्टैचुरी लिख करके 1, 2, 3 इस तरह से नंबर डाल दें। इलेक्शन ड्यूटी EDC 13A चैलेंज वोट फॉर्म 10 लिस्ट ऑफ ब्लाइंड इनफॉर्म इलेक्टर्स 10A रिसेप्ट बुक कैश इफ एनी चैलेंज वोट, ये आ जाएगा। अनयूज डैमेज पेपर सील, अनयूज वोटर स्लिप, अनयूज डैमेज स्पेशल टैग, अनयूज डैमेज स्ट्रिप सील, तो ये आपने करने हैं इसमें। और इन चीज़ों को आपने संभाल के इन इन पेपर्स के माध्यम से आपने रख लेना है। इसके अलावा अब आप पैकेट 3 में हैंडबुक ऑफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर डायरी मैनुअल EVM इंडिविजुअल लिंक सेल्फ इंकिंग पैड आदि ये सारे आपने रख लेने हैं। और ये इस तरह का एक फॉर्मेट आपने पूरे दिन का बना लेना है कि पर आवर में कितने आए हैं मेल फीमेल टोटल। इसके अलावा यूथ और ट्रांसजेंडर अगर आपके बूथ में है तो उनकी भी डिटेल आपने बना लेनी है, अपनी सारी डिटेल आपने रखनी है, तैयार रखनी है। और शांति बनाए रखना है, किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं होनी। प्रेजाइडिंग ऑफिसर अपनी टीम का मनोबल बनाए रखें और उनको उनकी विशेष परिस्थितियों में उनका सहयोग करें। शांतिपूर्ण व्यवहार अगर रखेंगे तो आप अपने इलेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और बगैर किसी झिझक के आप आराम से, अगर इस तरह से आपने तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी एनवलप बताए हैं उन एनवलप पे आप सबसे ज़्यादा जो आपको अपने पोलिंग स्टेशन का जो एड्रेस है उसमें लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसको अपने जितने भी फॉर्म हैं उन सभी में आप कर दें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नील है तो नील लिख करके सिग्नेचर कर दें, अपनी स्टैम्प जो आपको मार्क की लगी हुई है वो सभी जो बूथ की जो लगी मिली है उसको सभी जगह आप करें, अपने TA वगैरह के फॉर्म पे भी साइन करा लें और हंसी खुशी घर पे जाएं। थोड़ा लेट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ये त्यौहार है चुनाव का और त्यौहार के में कई बार कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर आप इसको चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप techysearch@gmail.com पर अपना मेल करें और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख दें कि आपको ये इसकी PDF चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर।